इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा बैरो और मैं हूं आपके साथ संजय कुमार। आज हमारे साथ हैं गुरुदास सिंह जी जो बाल मेरिंदी स्क्रीन पर आए हुए हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि ये किस प्रकार की फिल्म है और क्या संदेश देगी। ये बहुत ही बढ़िया फिल्म है, बच्चों के लिए फिल्म है, जो मतलब बच्चे देखें, गाँव वाले देखें, शहर वाले देखें, बूढ़े देखें, और एक सिखाती है कि जो बोलते हैं बच्चे भगवान का रूप है, तो वो वाकई इस पिक्चर में आपको दिखता है कि हम क्यों ऐसा बोलते हैं कि बच्चे भगवान का रूप है। इस फिल्म में एक डायलॉग है जो ये बच्चा नरेन बोलता है, बहुत ही बढ़िया बोलता है, हमें बोलते तो है भगवान का रूप है लेकिन कोई सुनता नहीं हमारी बात। तो ये बच्चों की बात हमेशा सुनेगा, तो वो भविष्य है हमारे देश का। एंड इस फिल्म में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है कि जो चेंजेस इंडिया में आए हैं जब से हमारे प्रधानमंत्री जी आए, वो कैसे बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, कैसे प्रभावित कर रहे हैं, कैसे प्रेरित कर रहे हैं, और क्यों बीजेपी बार बार जीत रही है, क्यों यूपी जीत रही है, क्यों जीत रही है, वो आपको थोड़ा आइडिया आता है कि क्यों जीत रही है। तो बच्चों में जब इफेक्ट आ जाएगा तो बच्चे माँ बाप बोलेंगे देखो आप ये सब हिंदू मुस्लिम मत करना, जाके वोट करो बीजेपी को करो, तो वो दिख रहा है, वो पॉइंट दिख रहा है। तो जिस दिन ये दूर हो जाएगा जात पात भी और वोट होगी जिस आदमी ने अच्छी तरह काम किया उसके लिए, तो मुझे लगता है वो भी 400 पार होगा। सर, ऐसा फिल्म में क्या है कि ऑडियंस एकदम इंगेज करके रखी थी फिल्म में, छोड़ करके क्या करते हैं? इस फिल्म में दिखता है कि यानी कोविड का टाइम जो अब सबकी जिंदगी में वर्स्ट टाइम था, सबके जिंदगी में कभी कुछ आता है तो बुरा टाइम, कभी कोई अर्थक्वेक आता है, कभी सुनामी आता है, कभी कुछ आता है, पर आई थिंक पूरी दुनिया में सबसे गंदा टाइम कोविड था। फिर वापस हमें वो टाइम में लेके जाती है, कैसे हम सब इन कमीनों के साथ जिए हैं एक दो साल, ये वहाँ लेके जाती है ये फिल्म। तो आई थिंक ये फिल्म हमें भूलनी नहीं चाहिए कि ऐसा टाइम आया था, हम लोग उससे निकल रहे हैं। अभी भी कभी कभी लगता है कोई बोलता है वेव आएगी ये आएगी, लेकिन प्लीज सफाई रखिए, थोड़ा मेंटेन करिए, अगर आपकी तबीयत थोड़ी खराब है अलग हो जाइए, करते रहिए, केयर रखिए, जब ये पूरा साफ नहीं होता। लेकिन हमारा देश भगवान का देश है, जो बोलते हैं लैंड ऑफ द गॉड्स, ऊपर वाले सारे जितने भी हैं और जो बोलते हैं वाहेगुरु अल्लाह मियाँ जो भी है, सबके साथ हमारे देश को आशीर्वाद लेके बैठे। जी जी सर, एक सवाल और भी है कि स्वच्छ भारत मिशन के लिए जो भी देख रहे हो, अच्छा क्या है? इस फिल्म में स्वच्छ भारत मिशन का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि एक बच्चे के ऊपर उसका फादर, उसका फादर की डेथ होती है ये डेंगू से, तो उसके यह कि अगर ये सफाई हुई होती तो मेरे बाप की मौत ही नहीं होती, उसके बाद से वो बहुत प्यार करते हैं। जब उसे मौका मिले सफाई को साफ करने की, गंद को साफ करने का, तो लड़के अच्छा मैसेज देता है। आई थिंक मैं बहुत गाँव में गया हूँ, यूपी के गाँव में गया हूँ, हर जगह गया हूँ, पोस्टर बने हैं, कोई चीज़ें बनी हैं, स्वच्छ भारत से ये बातें कर रही हैं। पहले हम यूपी उल्टा पुलटा बोलते थे, आज हम बोलते सबसे उत्तम बोले, तो ये जो चेंजेज आ रहे हैं हमारे पिक्चर में आपको देखने को मिलने के लिए। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप ऑडियंस को क्या मैसेज देंगे हमारे चैनल? मैं बस यही बोल रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हैं भाई, हमारे देश में हम सबको एकजुट होकर चलना है। प्लीज़ जात पात ना देखें, और जो अच्छा आदमी है उसका साथ दें, जो बुरा आदमी है उसको ठीक करें।